बलात्कारी जीजा पुलिस की गिरफ्त में। जी हां, फरियादी ने 28/3/2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसका परिवर्तित नाम श्याम बाई है। पति राम से, उम्र 21 वर्ष है, निवासी गुंजरी। जिसने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके जीजा पप्पू लाल, पिता मदन लाल हरिजन निवासी पाडली ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें, करीब 9 वर्ष का कारावास काट के यह आरोपी आया था और उसने फिर से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। श्याम भाई पत्नी राम सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी गुंजारी, जिसका नाम परिवर्तित है, ने रिपोर्ट किया था कि वे अपने जीजा के यहाँ गई थी रात्रि करीब 12 से 1 बजे के बीच। उसके जीजा ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 60/20 धारा 376/506 IPC कायम किया गया, विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना पाया गया कि आरोपी ने पूर्व में भी वर्ष 2009 में धारा 363, 376, 366 का अपराध कायम किया था, जिसमें उसको 9 वर्ष की जेल हुई थी। करीब 1.5 साल पहले वे जेल अपनी सजा काट कर वापस आया था कि उसने अपनी साली के साथ दोबारा बलात्कार कर दिया। आरोपी पप्पू, पिता मदनलाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी पाडली गुसाई का घटना दिनांक से फरार था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ श्री नवल सिंह सिसोदिया, श्रीमान SDOP महोदय नरसिंगर भारतेंदु शर्मा के मार्गदर्शन में एक पुलिस टीम गठित की गई। आरोपी की घेराबंदी की। आरोपी पप्पू लाल हरिजन को उसके खेत पर छिपे होने की सूचना मिलने पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। इस संपूर्ण कार्य में थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह गुर्जर के साथ मेरे स्टाफ ASI अवध नारायण शर्मा, ASI आसाराम भल्लावी, आरक्षक शिवराज, आरक्षक रामदीन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कल न्यायालय पेश किया जाएगा।